हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माइकोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है कि भाई माइकोबैक्टीरिया क्या होता है और भाई किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमें पता चल रहा है माइकोबैक्टीरिया, ये जो वर्ड ही है माइकोबैक्टीरिया जो वर्ड है ये दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है माइको, दूसरा वर्ड है बैक्टीरिया। ठीक है, यानी बैक्टीरियम। ठीक, तो माइको जो वर्ड है वो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है फंगस, और बैक्टीरियम का मीनिंग तो बैक्टीरिया ये हमें पता ही है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आ गई, फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरिया होता है ये एक्चुअल में होता तो बैक्टीरिया ही है हमारा। ठीक है, पर इसको हम माइको वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ये ग्रो कर जाता है ना ये बैक्टीरिया, तो ये एक फंगस लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, कि मतलब जब बैक्टीरिया जब ग्रो हो जाएगा तो जो कॉलोनी बनेगी ना बैक्टीरिया की, वो एक तरीके से मोल्ड की तरह लगती है। जैसे फंगस ग्रो करता है ना, तो फंगस ग्रो करने के बाद मोल्ड लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो एक तरीके से फंगस टाइप लगता है देखने में, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरिया। होता बैक्टीरिया ही है, ग्रो करने के बाद ही फंगस जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम माइकोबैक्टीरिया पड़ गया। ठीक है, इट ग्रोज इन अ मोल्ड लाइक फैशन, मोल्ड की तरह लगता है देखने में। ठीक, अब भाई माइकोबैक्टीरिया ये है हमारा। ठीक, अब इसकी खास बात जान लेते हैं। भाई इसकी खास बात क्या क्या होती है माइकोबैक्टीरिया की? तो इसकी खास बात क्या है कि फर्स्ट पॉजिटिव ग्राम स्टेन होता है ये। ठीक, पॉजिटिव ग्राम स्टेन होता है, यानी कि ये क्या हो सकता है, आसानी से स्टेन किया जा सकता है। सेकंड एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसको। सेकंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, यानी कि जहाँ बैठ गया वहीं बैठा रहेगा, काम चूर है। ठीक है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, चलने का हिलने डुलने का मन करता ही नहीं इसका, ये भी हमारी तरह ही है। ठीक, इसके बाद है चौथा रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप्ड होता है। तो ये थी बातें माइकोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या क्या करता है। ठीक है, तो देखो जो भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये एक्चुअल में हमारी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी बीमारी कॉज करता है। और सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट कॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकोबैक्टीरियम को। ठीक, और माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ इससे बचने के लिए, क्योंकि भाई ये वाला बैक्टीरिया टीबी करता है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, उसको बोलते हैं हम BCG वैक्सीन। क्या बोलते हैं? BCG वैक्सीन। ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि भाई BCG का टीका लगा नहीं लगा। ठीक है, कि BCG वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई। ठीक है, तो BCG वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? टीबी के लिए दी जाती है। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब BCG जो इसमें स्टैंड करता है ना, इस एक्चुअल में साइंटिस्ट के लिए करता है। ठीक है, ये किसके लिए करता है? साइंटिस्ट के लिए करता है। तो BCG एक्चुअल में साइंटिस्ट के लिए है, बेसिल कैलमीट ग्वेरिन। ठीक है, इस साइंटिस्ट के नेम है। ठीक है, कैलमीट और ग्वेरिन साइंटिस्ट के नेम है, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने एक्चुअल में इस वैक्सीन को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो BCG की वैक्सीन लगती है किसके लिए? टीबी के लिए। ठीक, तो ये थी बात हमारी माइकोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब अगर आप आगे जानना चाहें तो हम इसमें और इसका सेल एनवेलप के बारे में जान सकते हैं कि माइकोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है। तो देखो सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। माइकोबैक्टीरिया जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में तीन चीज़ों की बनी होती है। ठीक है, वो तीन चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये देखो हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी, इसके अलावा दो चीज़ें और होती है एक्स्ट्रा। एक तो होता है माइकोलिक एसिड और दूसरी होती है अरेबिनो गैलेक्टन लेयर। ठीक है, माइको बैक्टीरिया की लेयर में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माइकोलिक एसिड और अरेबिनो गैलेक्टन की लेयर। ठीक है, ये इनकी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये थी बात हमारी माइकोबैक्टीरियम के बारे में।